सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में बनी सबसे पहली मूवी आई थी 1971 में, जिसका नाम था सीमा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राकेश रोशन, सिमी ग्रेवाल, पद्मा खन्ना, सुलोचना कबीर बेदी और चांद उस्मानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1977 में, जिसका नाम था हत्यारा। इस मूवी में लीड कास्ट में थे विनोद खन्ना, मौसमी चटर्जी, राकेश रोशन, निरूपा राय, राजेश खन्ना और प्राण। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपये। इस मूवी ने कमाई की 3,50,00,000 की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1980 में, जिसका नाम था आपके दीवाने। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे ऋषि कपूर, राकेश रोशन, टीना मुनीम, शोमा आनंद, अशोक कुमार और रंजीत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1981 में, जिसका नाम था धनवान। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे राजेश खन्ना, रीना राय, राकेश रोशन, अरुणा ईरानी, ओम प्रकाश और शक्ति कपूर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1982 में, जिसका नाम था हथकड़ी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, रंजीता कौर, सिमी ग्रेवाल, राकेश रोशन और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपये, 1,60,00,000। इस मूवी ने भारत में 2,80,00,000 की, दुनिया में 5,60,00,000 की कमाई की ओर सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1983 में, जिसका नाम था निशान। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र मोहन जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे जितेंद्र, राजेश खन्ना, रेखा, पूनम ढिल्लो, विजय अरोरा, जीवन और अमरीश पुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1985 में, जिसका नाम था पत्थर दिल। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राकेश रोशन, पद्मिनी कोल्हापुरे, अरुणा ईरानी, रमेश देव, कादर खान, अमरीश पुरी और डैनी डेंजम्पा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1986 में, जिसका नाम था वापसी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे राजेश खन्ना, नलिनी जयंत, जीनत अमान, राखी गुलजार, प्रेम चोपड़ा और प्राण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1987 में, जिसका नाम था हवालात। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, पद्मिनी कोल्हापुरे, अनीता राज, ऋषि कपूर और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1987 में, जिसका नाम था हिरासत। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 5,60,00,000 की और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1989 में, जिसका नाम था हिसाब खून का। इस मूवी में लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, मंदाकिनी, पूनम ढिल्लो, बिंदु, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। सुरेंद्र मोहन जी के डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1992 में, जिसका नाम था हनीमून। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों सुरेंद्र मोहन जी ने किया था। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी लीड कास्ट में थे ऋषि कपूर, अश्वनी भावे, वर्षा उसगांवकर, बिंदु, मोनीश बहल, कादर खान और शक्ति कपूर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन बनने कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बताने की पूरी कोशिश करें। थैंक फॉर फुल।